हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कटोच विजय पथ अकेडमी पालमपुर से आपके लिए जीके के टॉपिक्स लाया हूँ। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मुगल काल। मुगल काल के बारे में आपने सुना होगा कि मुगल जो है भारत में आए, तो सबसे पहले जो हमारे पास मुगलों को याद रखने के लिए कि कौन से मुगल भारत में आए, जैसे औरंगजेब आए, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है, भाजसा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये भाजसा का मतलब क्या है। भाजसा का मतलब है सबसे पहले हमारे पास बी से बनता है बाबर। बाबर जो है वो भारत में सबसे पहले आया, ठीक है, इसीलिए बाबर को क्या है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका है, आपके पास बी से बाबर आ गया, एच से आप से बनता है हुमायूं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ए से बनता है अकबर, जे से बनता है जहांगीर, और एस से बनता है शाहजहां, और लास्ट में ए बचता है आपके पास औरंगजेब। तो आप इस तरीके से मुगल काल के शासकों के बारे में याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद किसने भारत में राज किया। तो सबसे पहले आपका बी से आया बाबर, एच से आया हुमायूं, ए से आया अकबर, जे से आया जहांगीर, एस से आया शाहजहां, और ए से आया औरंगजेब। ठीक है, इसीलिए हमने बाबर को क्या माना यहाँ पे, मुगल काल का संस्थापक। नेक्स्ट आपके पास आता है बाबर की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास आता है बाबर फर्स्ट। बाबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाबर ने भारत में प्रथम पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। इसके बाद बाबर ने तीन युद्ध और लड़े। पहला युद्ध आता आपके पास, पहले युद्ध में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। दूसरा युद्ध आता है आपके पास चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने मैदिनी राय को हराया, और ये युद्ध लड़ा गया 1528 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध आपके पास आता है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पता होना चाहिए कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े। ठीक है, बाबर का जो कार्यकाल था वो चलता है 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, बाबर जो था वो पढ़ा लिखा था। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, जिसको बोलते हैं तुजक ए बाबरी। बाबर ही एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले 1526 के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, तोपखानों का प्रयोग किया। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपको ट्रिक बताया, ठीक है, मुगल शासक को याद रखने का, भाजसा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फर्स्ट बनता है कि सही क्रम में लिखिए कि कौन सा मुगल शासक पहले आया। ठीक है, जैसे भाजसा में आपको याद रखना चाहिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एंड लास्ट वन इज औरंगजेब। ठीक है, और यहाँ से जब आप बाबर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो मैंने आपको दोनों नाम बताए हैं, बाबरनामा, और जो उनकी तुर्की भाषा में होती है जैसे तुजक ए बाबरी जिसको बोलते हैं, और बाबर की जो शासनकाल था 1526 से लेके 1530 के बीच में। नेक्स्ट जैसे आपके पास पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो 1530 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलता है आपके पास अकबर के बारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास हुमायूं। हुमायूं ने 1500
1530 से लेके 1556 तक राज किया, 1530 से लेके 1556 तक राज किया। हुमायूं ने राज्य अभिषेक के बाद अपना राज्य तीन भाइयों में विभाजित कर दिया, यही उसकी राजनीतिक भूल थी। ठीक है, उस समय शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर दो युद्ध लड़े, पहला था आपके पास चौसा का युद्ध और दूसरा था आपके पास कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में जो 1540 में लड़ा गया उसमें हुमायूं को बेबस कर दिया कि वो अपना सिंहासन छोड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाए, और वो बाध्य हो गया और उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। और उसके बाद 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। हुमायूं नामा की पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखी, हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, आज हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा, तो हुमायूं का हम यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे हुमायूं का क्वेश्चन बनता है कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ और आपका चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आपको पता है चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और 1540 में हुआ। और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो वो आपकी लिखी है गुलबदन ने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकबर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।